लाख लाख से लाख भरी भाई माय भाई फ्रेंड मेरा रिक्वेस्ट करना मेरा लाख भी इंक्वायर नहीं करना। हाँ तो समझ गए ना क्या बोल रहे हैं हमारे भैया जी। ये लोग रेडी है अभी टावर चढ़ने के लिए, ऊपर में कुछ सामान लदा हुआ है। कल ये लोग आए हुए थे काम करने तो उन लोगों ने ऊपर चढ़ा करके रखा हुआ है। वहाँ से और भी ऊपर आए हुए हैं हम लोग, सामान यहाँ भी उतरा और यहाँ पे ये दूसरे टावर पे कुछ लोग हैं जो कि मैं आगे वाले में आ गया हूँ। और दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है देखो दोनों साइड से, और यहाँ से लुक भाई बहुत ही खतरनाक है यार। ड्राइवर्स लोगों से मेरी बात हो रही थी, मैं अपने बारे में उन लोगों को बता रहा था कि मेरा एक पहले पुरानी आईडी है ER ग्रेट, जिसमें से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियोज बनाता था। और कौन सी आवाज करो उठो घर बनाने के लिए ना, तो ये बात है। और पता है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वो बोले कि रिपेयरिंग के वीडियोस बनाता था, मैं बोला हाँ भैया, तो वो बोलते हैं कि मेरा भी एम्पलीफायर सच में खराब हो गया तो बना दोगे, मैं बोला बिल्कुल क्यों नहीं, देखता हूँ क्या खराबी हुआ है और देखूंगा चेक करके। तो अभी मैं जा रहा हूँ इन लोगों के सामने यहाँ पे टावर के नीचे में, उस दिन मैं नहीं गया था ऊपर में ही था क्योंकि वहाँ पे खाई बहुत ही ज़्यादा था, उतरने में बहुत ही दिक्कत होता जिस कारण से नहीं गया था उस दिन। और अभी मैं जा रहा हूँ टावर के नीचे ही रहूँगा, देखता हूँ कैसे ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे सामान को चढ़ाते हैं ऊपर। ओ, 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 ओ। हेलो ब्रो, हेलो 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 ये भूषण अभी चढ़ा हुआ है टावर पे जैसे कि आप देख सकते हो। हेलो, गाड़ी अलग अलग कोची होता है। अब मैं ये बैग ले लिया हूँ और जा रहा हूँ फोटोग्राफी के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसी रास्ते में मैं आगे जाऊंगा घूमने, पता नहीं कहाँ क्या रास्ता आएगा, क्या आएगा, कोई गांव आएगा। तो इतने सारे जो आप लोग पेड़ देख रहे हो यहाँ पे, जितने भी सारे इस टाइप के जो पत्ते हैं जिसके, उसका नाम चीड़ पेड़ है, चीड़ बोला जाता है यहाँ पे। ओरिजिनल नाम तो मुझे नहीं पता, और इसका जो फल है वो कुछ ऐसा होता है अनारस के जैसा, और इससे ना बनाया जाता है गम जिसको गोंद बोलते हैं, गोंद बनाया जाता है। और देखो किस तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे को नज़र आया कि इस तरह से निकाला गया हुआ था इसमें से कीप जैसा है या कुछ, बहुत ही जल्दी आग लग जाता है और जलने लगता है। तो ये है चीड़ पेड़ का, और कुछ इस तरह से निकाला जाता है इसमें, पेड़ देख लो एक बार और आप लोग। तो भाई अभी रियल ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ है, ये लोग पीछे अभी काम कर रहे हैं और मैं बस इन सुनसान सड़कों पे रास्तों पे निकल पड़ा हूँ, सीधे चलता जाऊँगा पैदल ही। इधर मैं गूगल मैप में देखा अभी कुछ गांव घर हैं आगे जा करके, मैं नाम भूल गया हूँ। ऐसे जगह में ऐसे सीन में ना कोई जानवरों का दिक्कत है, यहाँ पे जानवर तो कुछ नज़र ही नहीं आता है, कुछ जानवर है ही नहीं इधर। और ऐसे हिल पे पैदल चलने का और घूमने का मज़ा ही कुछ और है। मैं इससे पहले उन लोगों के साथ में था लेकिन अभी मेरा अकेला है रास्ता, और यहाँ से 4 किलोमीटर है। बस ऐसे ही फोटो वगैरह कैप्चर कर रहा था,
और ये भैया लोग ऐसे पैदल जा रहे थे, तो मैंने इन लोगों से पूछा, बातें किए। और ये दोनों भाई लोग भी वहीं बिहार, मेरे नेवर स्टेट से हैं, बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। और भैया आप लोग अपना नाम बता दीजिएगा थोड़ा। कोई बात नहीं, हमारा नाम देव कुमार राज है। देव कुमार राज, हाँ जी। और आपका? मोहम्मद अखलाक। मोहम्मद अखलाक, अच्छा। आप लोग चार कोई रहते हैं यहाँ पे ना? हाँ जी। बढ़िया है, ठीक है। बस अब मैं इन लोगों के साथ में ही बस ऐसे ही पैदल चल रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ। और आगे दुकान मिल जाएगा मुझे? मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ये लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, और इन लोगों का काम है रजाई बनाना। रजाई कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, इन लोगों के पास एक मशीन है जिसमें से बहुत सारे कटे छटे जो कोई भी कपड़े हो उसको डाल देते हैं, उसको पूरा रुई बना देता है बहुत छोटा छोटा, और उसके बाद उससे ये लोग रजाई बनाते हैं। और बता रहे हैं कि इनकम तो हो जाता है अच्छा खासा, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ता है भाई। बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इन्हें भी पता है। तो ये मन मेहनत बहुत ही जम करके करते हैं, और इसीलिए इसी एरियाज में थोड़ा काम वगैरह मिल जाता है ठंडे दिनों में, तो काम करते हैं इधर ही। है गोरा, और यहाँ से जरिंड 4.360 किलोमीटर है शायद, ये वाली सड़क जाती है जिसमें से ये जो दो भैया थे ये दोनों नीचे वाले सड़क में चले गए, और ऊपर मुझे जाना है क्योंकि उन लोगों ने बताया कि उसकी मशीन वहीं पे मिल जाएगी और आगे होटल भी मिल जाएगा। आपने कहाँ जाना है? मुझे बस ऐसा ही घूमना है। कहाँ का रहने वाले है? मैं हूँ झारखंड से। अच्छा, काम में कि घूमने चले? नहीं, यहाँ पे भैया लोग काम करते हैं, तो मैं यहीं पे रहता हूँ नीचे रामपुर सिटी में। इन टावरों में? हाँ, इन टावरों में ही एक और वायर जुड़ रहा है। आप इसी गांव के? जरिंड गांव का ना? हम झाकड़ी के। झाकड़ी यहाँ से कितना किलोमीटर? झाकड़ी से पैदल 2 किलोमीटर है। आपने धोबी जाना, वहाँ पर है सिटी ना? हाँ, वहाँ होटल 5-8-10 होटल है। अच्छा, ठीक है दादा, चलते हैं। हमने भी आगे जाना। अच्छा, आपको भी आगे जाना है? चलिए फिर बातें करते चलते। अच्छा, तो मतलब आपका घर यहीं पे, सबका आपका फैमिली सब यहीं पे? और यहीं मतलब आपका बचपन भी यहीं पे गुजरा? हम इधर के पैदा है। अच्छा, आपका नाम क्या है दादाजी? हमारा नाम पीएस। पीएस मतलब केवल पीएस? पदम सिंह। अच्छा, पदम सिंह। मतलब शॉर्टकट में आपने नाम रखा है पीएस। अच्छी बात है। अच्छा, और अच्छा यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं, तो वो लोग मतलब काम वगैरह क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ कोई जो कोई मजदूरी करते हैं। नौकरी में बहुत सारे हैं। फिर आपने जैसे बगीचे लगे सेब के, प्लम के बगीचे, खरमानी, नाशपाती, फिर जर्सी गाय पाली घर में। अच्छा, तो पैसा जो 3-4 है जैसा सेब का है तो कई 1.5-2 लाख से ऊपर जाएंगे साल का ना। अच्छा, तो वहाँ से लाते हैं, मतलब वहाँ से पैसे आते हैं इनकम? 1.5-2 लाख। फिर आलू, फिर सब्जी, कोई आलू की भी खेती यहाँ पे करते हैं? हाँ, फिर गुच्छी मिर्ची है जंगल में ना, गुच्छी मिर्ची 10,000 रुपए किलो बिकती है। गुच्छी, केवल गुच्छी? हाँ, 10,000 रुपए किलो। 10-4 रुपए किलो? हाँ, फिर और जड़ी बूटी। अच्छा, तो मतलब जो सिटी में रहते हैं वो लोग भी यही करते हैं? अरे, सिटी वाले से बाहर के इधर के लोकल कोई नहीं है। लोकल के कोई नहीं? वो ठग हुए हैं, जो लोकल कुछ थोड़े थोड़े है, वो इधर गांव से गए, उनके बगीचे गांव में बड़े बड़े जो सिटी में रहते ना, उनके बगीचे गांव में। अच्छा, हाँ, कई एक इधर से बिकते 2-2 करोड़ में, कई 15 लाख में, कई 20 लाख में, मतलब 2 लाख से नीचे कोई भी नहीं रहता आदमी। अच्छा, यहाँ पे सेब की खेती, मतलब सेब पूरा पक का, मतलब कौन कौन से महीने में पक जाता है पूरा सेब? जून से शुरू हो जाएगा। जून से शुरू हो जाता है? दिसंबर तक। अच्छा, दिसंबर तक। अच्छा, देखो ये चूली है। ये क्या है? चूली। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसका सेब, उसका तेल निकलेगा 1600 रुपए किलो। 1600 रुपए किलो। हाँ। तो ये दादाजी जा रहे हैं अपने घर, और मैं आगे चल रहा हूँ इधर, मुझे भी खाना वगैरह खाना है यार। अच्छा,
ये गुच्ची है, गुच्ची गुच्ची दिखाइए दिखाइए कैसा होता है, कौन है? अच्छा ये ये गुच्ची है, इसको तोड़ सकते हैं हाथ से? नहीं तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, नहीं। अच्छा इसका क्या करते हैं भैया? हाँ फोटो गया। अच्छा जैसे कि अभी दादाजी बता रहे थे कि गुच्ची की भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, दादाजी वहाँ पे एक दादाजी थे, मतलब बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है और मतलब इसी से बहुत सारे पैसे, 10,000 रुपए किलो बता रहे थे शायद, 10,000 रुपए किलो बहुत ही महंगा बिकता है। अच्छा आप लोग एक सब्जी भी बनते हैं इसका, सब्जी भी होता है, सब्जी भी खा सकते हैं। अच्छा 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 यहाँ से स्क्रीनशॉट में ले लूंगा, ठीक है स्क्रीनशॉट। ओके भाई। तो भाई दिस इज द लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये जी सबसे पहला यहाँ का नियम है, कुछ भी खाने से पहले सूप पियो, उसके बाद जो खाना है आपको वो खाना है। यहाँ पर मैंने हाफ प्लेट मोमोज खाया, धार गौरा जगह का नाम है, और यहीं पे बगल में एक विश्राम गृह लिखा हुआ है धार गौरा, देखता हूँ पता करके, यहीं पे देखो ये है, पता करके देखता हूँ क्या होता है इसे। आप लोग सरकारी है? अच्छा यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा ही केवल रहने के लिए आप लोग डेली आते काम करने के लिए? ओ तो यहाँ पे अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे ठहरने के लिए रामपुर में एक ऑफिस है। अच्छा ऑफिस का नाम क्या है अंकल? PWD। अच्छा अच्छा तो वहाँ से मतलब परमिशन लेना पड़ता है यहाँ पे ठहरने के लिए? ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे सरकारी लोग ही ठहर सकते हैं, हर कोई ठहर सकता है, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे रात भी ठहर सकते हैं लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा। मैं बस ऐसे ही चल रहा था इस रास्ते पे, देखा विश्राम गृह है तो सोचा कम से कम पता कर लेता हूँ कि कौन लोग यहाँ पे ठहर सकते हैं, कैसे ठहर सकते हैं, प्रोसेस क्या है। तो ये जानकारी अब मुझे मिल गया, अब मैं जाता हूँ इधर वापस लौटना मुझे रूम। ठीक है अंकल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। या पहुंच गया, देखता हूँ बस कितने बजे आती है। यहाँ पे बस कितने बजे आएगी भैया रामपुर के लिए? अभी चली गई, 4 बजे। अच्छा अच्छा तो अभी मैं रास्ते में जा रहा था और भूषण को पूछा कि भाई जाना कहाँ पे है मुझे, तो वो बताया कि अरे बहन वाले मतलब उधर ही गए हैं। मैं बोला कहाँ पे, तो वो बोलता अच्छा रुको कॉल करके बताते हैं। तब तक मैं मतलब कॉल में करने गया तब तक दिख गए मेरे भैया लोग गाड़ी में, और बस मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये लोग अभी जा रहे हैं डोभी। अभी क्या करना है? लंच मैंने ये किया मोमोज, बढ़िया था। हाँ बढ़िया टेस्टी था। तो ये जी मैं अब पिकअप में बैठा हुआ सैर कर रहा हूँ डोभी का, बहुत हाइट में गांव है। तो वैन वाले भैया लोग तो चले गए खाना खाने, ये लोग एक्चुअली में खाना खाने ही आ रहे थे डोभी, ये लोग अभी चले गए होटल और मैं मेरे को बता दिया कि इधर सेब का बगीचा मिल जाएगा, तो मैं जा रहा हूँ इधर आधा एक घंटा घूमूंगा। वो लोग बताएं कि आधा एक घंटा में आ जाना हो जाएगा, आधे से एक घंटे में मैं आ जाऊँगा वापस, तब तक ये लोग खाना वाना खाएंगे। ओ भाई कितने मस्त मस्त घर बने हुए ना इधर पहाड़ियों पे, ये जो सारे देख रहे हो ना ये हैं सेब के पेड़, नीचे यहाँ पे प्याज वगैरह लगाया हुआ। Thank you.
बजा रहे हैं हम लोग। भोजपुरी गाना आप लोग भी सुनते हैं? भैया बता रहे कि धनबाद में रह करके वहाँ से कोयला वगैरह ड्राइवर हैं दोनों। ये और मित्र का भी नंबर आना सब भी नंबर कैसा भैया? कांग्रेस के दिग्गज नेता होने के बावजूद कुदरती पानी नेचुरल भगवान का है। सुनील का जब संजय को बचाने की हो चुके थे तब राजेंद्र कुमार ने गोरा कुंड वही ही उनकी मदद कर सकते हैं। बढ़िया मतलब बहुत ही ठंड है एकदम पूरा पता ही पसंद नहीं आए। बढ़िया पानी आ रहा है। लगभग चिल्लाते हुए राजेंद्र कुमार के सहा को ठुकरा दिया। देखो ये है गोरा कुंड, बहुत ही बढ़िया पूरा कोल्ड पानी यहाँ से आ रहा है और पीने में भी मस्त है, नेचुरल पानी आता है यहाँ पे। ये बोल रहे भैया कि जड़ी बूटी पानी है। और भाई अब मैं ये वाला स्पीकर सही कर रहा हूँ, देखो औजार मेरा ये है चाकू। स्पीकर सही नहीं हो ना वीडियो डालियो। देखता हूँ पहले खोल के देखता हूँ क्या खराबी है, उसके बाद से फिर बताता हूँ। वैसे इसमें उतना बड़ा तो कुछ खराब होना नहीं चाहिए। रिचार्जेबल भी है ये? रिचार्जेबल है मतलब इसमें बैटरी लगी हुई है? नहीं नहीं, बैटरी लगाएंगे अंदर पहले। अच्छा अच्छा, चेक कर लो ना। तो ये जी निकल गया बाहर और यहाँ पे एक फॉल्ट मुझे नजर आया थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे जो लेयर है ना, जो कि मैंने वायरिंग करने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ये लेयर ही खराब है। और दूसरा पॉइंट यह कि भैया बता रहे थे इसका बेस ही नहीं काम कर रहा, जब चालू करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये तीनों वायर जो है ना, बेस वाला, ग्राउंड, इनपुट और आउटपुट, ये देखो यहाँ पे तीनों टूटा हुआ था। और बस ये फॉल्टी तो अभी तक इतना ही नजर आ रहा है। फिर इन तीनों को जोड़ने के बाद, चेक करने के बाद अगर यह काम करेगा तो फिर ठीक है। भैया बता रहे मेरे यहाँ सोल्डरिंग आयरन है तो मैं सोल्डर करके इसको ठीक कर लूंगा। तो ये देखो इस लोकेशन पे भाई मैं ब्लूटूथ स्पीकर ठीक कर रहा हूँ। फूल होता है ना, ये बीपी का दवाई होता है। अच्छा हाँ जी, ये इसका नाम क्या है? इस फूल का नाम होता है आयुर्वेदिक फूल है, मतलब इसका नाम नहीं है, मतलब बहुत दवाई होता है। नाम जानता तो यात्री होना था मैं। भगवान ने दिया, कुदरती करिश्मा है। बहुत सारे आयुर्वेदिक इलाज होता है इससे, बहुत अच्छा। तो मतलब इसको क्या ऐसे ही खाते हैं? जैसे खाना खाने के बाद कभी जलन जैसा होता है गले में, हाँ। उसका भी इलाज करेगा ये। अच्छा, कभी उल्टी आल्टी हो उसका भी इलाज करेगा। जैसे ये रोड है ना, देखो यार रोड दिख रहा है ना, जैसे पहाड़ी वाला रोड है, इसमें चलना नामुमकिन है। हाँ वो तो है, नामुमकिन है बहुत। हम लोग के ड्राइवर चला ही नहीं सकेंगे, मतलब ही नहीं बनता। आप लोग सच में रोड, ये सिंगल है, सिंगल रोड है, इधर से यहाँ पे डर है, हर गेज पे गाड़ियाँ आती है, कौन चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। और प्लस में एक साइड से तो जा ही रहा, नहीं दूसरे साइड से भी आ रहा, नहीं जा पाएगा क्योंकि सिंगल रोड है, कोई फोर लाइन तो रोड है नहीं। हाँ, वो तो है। यहाँ पे दिमाग से चलना पड़ता है कि कहाँ कैसे करना है, उस हिसाब से बंदा चलता है आगे। नहीं तो मतलब ही नहीं इस रोड में कोई बंदा चल पाएगा। जैसे बाहर का आएगा बंदा कोई फॉरन का, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, जैसे मर्जी हो आप बोलो, जैसे शिमला तो अपना पहाड़ी पड़ता है, दिल्ली से आगे निकल गया बंदा तो इस रोड में चलना नामुमकिन है क्योंकि ये रोड है तंग है ना, क्योंकि छोटा रोड है। यहाँ पे एकदम गाड़ी आती है और कैसा पास देना, क्या करना, वो खुद के अंदर नॉलेज होना पड़ता है। नहीं तो गाड़ी नहीं तो सीधे फिर पता नहीं लगे, जबरदस्ती चलाएगा, फिर खुद भी जाना पड़ेगा, दूसरा भी जाएगा। ये हमारे उस्ताद जी, ये हमारे पहाड़ों का फूल, ये काफी फेमस है। ये देखो जिसको दे दो वो फिदा है, फिदा है, मतलब ये फूल इतनी फेमस है क्योंकि आयुर्वेदिक फूल है, भगवान का कुदरती फूल है, कोई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसको, ये खुद उगता है। और इसमें से आपको जुखाम लग गया, सर्दी लग गया, गर्मी लग गया, और दस्त लग गया, कुछ भी लग गया, ये इसका इलाज है। ऐसा फूल है, मगर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे खा सकते इसको। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं ये देखो आयुर्वेद दवाई है ना, खा के देखता हूँ मैं भी। खट्टा 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 बना आएगा इसमें, अभी चल रहा है यहाँ पे मशीन। ये मशीन देखो कैसे ये लोग काम करते हैं यहाँ पे टावर पे, तार को कैसे खींचते हैं इधर से, तार को यहाँ पे ऐसे खींचते हैं इधर से, और लपेटा हुआ है इधर से देखो। और यहाँ पे ये गियर सिस्टम है, गियर इधर से देते हैं और फिर यह बस घूमने लगता है। उधर से ये कॉल पे लगे हुए हैं कंट्रोल पे,
उधर नीचे या फिर ऊपर में पता नहीं कहाँ पे है, कंट्रोली के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे गियर का कंट्रोल करते हैं। ये साहब देखो गियर चेंज किए, ये घूम रहा है और ये घूम रहा है, प्लस इधर से मोड़ भी रहे हैं, मोड़ मोड़ के रख भी रहे हैं। तो अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया है और हम लोग तो अभी घूम के आ चुके हैं और थोड़ी देर में काम यह फिनिश होने वाला है। फिनिश हो जाने के बाद सारा सामान को लोड किया जाएगा और फिर हम लोग रूम की ओर चलेंगे। तो भाई आज का सफ़र भी बहुत ही शानदार रहा।